गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम यहाँ पर है और आज अहमदाबाद में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है एक लोकेशन पर और मल्टी लोकेशंस पर जो योग का अभ्यास हुआ उसके लिए हमारे साथ में यहाँ पर पांच लोगों की टीम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। लुजिया जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इनके लीडरशिप में ये सारे हमारे जजेज हैं और इनके साथ हजारों वॉलेंटियर्स ने काम किया, तो वो आगे का अनाउंसमेंट करेंगे। यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड माय कॉलीग एडजुडिकेटर्स टू बी हियर टुडे इन अहमदाबाद ऑन बिहाफ ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टू विटनेस the attempts for the largest yoga lesson, single venue, and the larger yoga lesson, multiple venue. We would like to thank the organizer and all the participants involved for such amazing event. The previous record for the largest yoga lesson was set in Delhi in 2015 by 30,985 people. We're happy to confirm that the new Guinness Records title for the largest yoga lesson is now an impressive 54,522 people. So we can confirm it's official and you are officially amazing. Thank you. मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अभी कैलकुलेशन में इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि पांच जगह पर था और बीच में रेन भी बरसात भी हो गया, तो बहुत तरह की डिफिकल्टीज के बीच में भी मल्टीपल लोकेशंस का भी जल्दी सारा रिकॉर्ड एकत्रित हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया और इनके साथ वॉलेंटियर्स ने। हमारे गुजरात के लिए भी ये आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन रहा क्योंकि विश्व योग दिन पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात की धरती पर कि जहां मोदी जी का कर्तृत्व और नेतृत्व गुजरात को मिला है, वो गुजरात में आज बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में बहुत भारी और बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह 4 बजे आकर 5 बजे से 7:30 बजे तक योग और आसन प्राणायाम वगैरह किए और योग दिन की अच्छी तरह से एक शानदार योग दिन को मनाया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आज जो रिकॉर्ड स्थापित किया है हमारे गुजरात के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। और योग तंदुरुस्त मन शरीर को रखता है और गुजरात जिस तरीके से समृद्ध गुजरात, स्वच्छ गुजरात और स्वस्थ गुजरात बने, इसके लिए भी ये बहुत हमारे लिए भी बहुत उपयोगी रहा है और हम बाबा रामदेव जी और बाकी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं।